ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग की जो अडल्ट लेट अडल्टहुड वाली स्टेज है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ को मेंटेन करना होता है। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इंसान पैदा होने के बाद मरने तक तो उसकी डेवलपमेंट होती ही रहती है। बेसिकली हम इसको लर्निंग कहते हैं, क्योंकि इंसिडेंट्स तो आपको आ रहे हैं और उस वक्त तक आते रहेंगे जब तक आप दुनिया में हैं। अब इंसिडेंट्स के नतीजे में नई नई लर्निंग जो है वो हमारे मरने तक हमारी होती ही रहती है। तो जब अडल्टहुड की हम कॉग्निशन की बात करते हैं, अब चूंकि ये डिक्लाइन टाइम है तो इसमें अब उनकी कॉग्निशन डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अब कॉग्निशन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? परसेप्शन थी, मेमोरी थी, रिकॉलिंग, इसके अलावा स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और परसीविंग ऑफ न्यू थिंग्स। तो अब ये वाली कैपेसिटीज जो हैं इस अडल्टहुड में आके डिक्लाइन हो रही हैं। उसके लिए इंटेलिजेंस की टू टाइप्स जो हैं वो ये क्या हैं जो कुछ थेरिस्ट ने बताई? उन्होंने कहा जी फ्लूड इंटेलिजेंस है और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है। अब फ्लूड जो है इसका ताल्लुक जो है ये रिलेशंस बनाने में और कॉन्सेप्ट्स और रीजंस को एब्स्ट्रैक्टली जो है लॉजिक के साथ अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है फ्लूड इंटेलिजेंस। इस तरह से क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो है ये चीज़ों को याद रखने में और उनको इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में बड़ी हेल्प करती है। अब ये जो दो टाइप्स की इंटेलिजेंस है अडल्टहुड में, इन दोनों का डिक्लाइन है। जो फ्लूड इंटेलिजेंस है वो बाज़ुका जो है जब उसमें डिक्लाइन आता है तो इंसान सोशलाइजेशन और अपनी कॉग्निशन के साथ लोगों को मेंटेन करना, लोगों को अपने पास बुलाना, लोगों के साथ इंटेलिजेंटली बिहेव करना जो है वो उनमें कम हो जाता है और बड़े एग्रेसिव से मूडी से हो जाते हैं। बूढ़े लोग बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू हो जाते हैं और बड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिकली जो है लोगों से लगाना शुरू हो जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि इनकी ये दो टाइप्स की इंटेलिजेंस जो है ये डिक्लाइन हो रही होती है। और ओल्ड एज में जो लोग भूल जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो उनको डिमेंशिया या अल्जाइमर की डिज़ीज़ आ रही होती है वो इस वजह से आ रही होती है क्योंकि उनकी जो फ्लूड इंटेलिजेंस है ये वीक हो रही होती है। फ्लूड इंटेलिजेंस का ताल्लुक जो है इसको हम कहते हैं ये न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग जो है उसको कंट्रोल करती है। तो न्यूरोलॉजिकल जब आपकी फंक्शनिंग, जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, जब वो इस इंटेलिजेंस के वीक होने से वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से मेमोरी स्टोर होना जो है वो बहुत कम हो जाती है और आप चीज़ों को भूलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जो दूसरी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है ये आपकी इंफॉर्मेशन को आपकी मेमोरी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में स्टोर करने का काम करती है। अब यहाँ पे ओल्ड एज में आके जो लोग हैं उनके माइंड एक्टिव नहीं रहते, वो सिर्फ मेंटल एक्सरसाइजेस से एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास एक्टिविटी नहीं होती, अपने आप को वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करते, सारा दिन सोए रहे, बैठ गए, खा लिया, तो चूंकि उनके पास एक्टिविटी नहीं होती तो ये जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है इसके वीक होने से उनकी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन जो वो ख़त्म हो जाती है। वो अब बड़ी जल्दी भूल जाते हैं उन्होंने अभी क्या कहा, अभी उन्होंने कल क्या कहा था, अभी उन्होंने परसों क्या कहा था, अपनी डायरेक्शंस को भूल जाते हैं, अपनी दी हुई इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं, पिछले ज़माने में उनके साथ क्या हुआ, बड़ी जल्दी वो चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ये जो दो रीजंस हैं, एक फ्लूइड इंटेलिजेंस का वीक होना और एक क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का वीक होना, इन दोनों के वीक होने की वजह से जो ओल्ड एज है ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और उसमें जो कॉग्निशन डिक्लाइन है उसमें अब वो नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा बूढ़ों में आ जाती है। हर चीज़ को नेगेटिवली परसीव करते हैं, नहीं ये मुझे अच्छी तरह से केयर आपने नहीं की, आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि मैं बेकार हूँ। इस तरह की जो उनकी डिप्रेशन वाली फीलिंग्स हैं वो बड़ी ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है, जो उनकी कॉग्निशन है वो वीक हो गई है। इसलिए अब उनको अपने अपने बच्चों के साथ वो बहुत ज़्यादा एसोसिएट होना चाहते हैं, लेकिन चूंकि अब बच्चों की मसरूफियात की वजह से एसोसिएशन नहीं हो पा रही, तो उससे उसकी जो कॉग्निशन है वो नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है। सो दे आर थिंकिंग नेगेटिव अबाउट पीपल, दे आर थिंकिंग नेगेटिव फॉर एवरी वन कि जो जो आ रहा है ये सारे आपस में मिलके खा रहे हैं, मुझे ये खाने के लिए नहीं दे रहे। हालांकि ड्यू टू डिजीजेज बहुत सारी चीज़ें उनको मना हो जाती हैं, लेकिन चूंकि उनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ हैं उनके वीक होने की वजह से उन्हें फीलिंग्स जो है वो सेंसिटिव उनकी हो जाती हैं और वो ज़्यादा ये फील करना शुरू हो जाते हैं कि पीपल आर इग्नोरिंग मी एंड नोबडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी। तो इन चीज़ों के साथ साथ जो है उनकी
सोच चूँकि पॉजिटिव करनी ज़रूरी होती है, और वो उसी सूरत में होती है जब आप बूढ़ों से उनके बारे में पूछें, उनके माजी के बारे में पूछें, उनकी तारीफ़ करें, वो स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और अपने वाकया सुनाना चाहते हैं कि वो कितने हीरो थे, कितना अच्छा टाइम उन्होंने गुजारा है। जब ये वाली उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो फिर वो जो है उनका जो कॉग्निशन का डिक्लाइन है उन्हें वर्स्ट लगना शुरू हो जाता है। तो बूढ़ों को इन तमाम चीज़ों से बचाने के लिए और उनको सेव करने के लिए उनको एक्टिविटीज़ में जैसे हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं और बिज़ी करते हैं तो वो शरारतें कम करना शुरू करते हैं, इसी तरह से बूढ़ों को डिप्रेशन से बचाने के लिए उनको हेल्दी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सारा दिन बच्चे उनको टाइम नहीं दे सकते, तो उनके लिए कुछ गैजेट्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और जिसके साथ वो अपनी पसंदीदा मूवीज़ देख सकें, अपना टाइम स्पेंड कर सकें, और उनकी वॉक जो है उसका टाइम जो है वो ज़रूर थोड़ा सा होना चाहिए, जिससे फ्रेश एयर जो है वो उनको देखें, गार्डन्स को देखें, पार्क्स को देखें, बड़ा फ़र्क पड़ता है जब वो एक घर के माहौल से बाहर जाते हैं। तो ये चीज़ें हम जब उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो इससे उनकी जो मेंटल सेटिस्फेक्शन और स्टेबिलिटी है वो काफ़ी मेंटेन हो जाती है।